हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पोहे की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही अलग और नए तरीके से आज हम पोहा बनाना सीखेंगे। मैंने पहले भी आपको एक सिंपल तरीके से पोहा बनाना सिखा है, पर उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं किया था। तो आज हम वेजिटेबल्स के साथ और एक नए तरीके से पोहा बनाना सीखेंगे। तो पोहा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है वो हम चेक कर लेते हैं। 100 ग्राम पोहा फ्लैटेंड राइस, जो आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। साथ में वेजिटेबल्स में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च कटी हुई, 2 टेबलस्पून गाजर कटी हुई, 2 टेबलस्पून फ्रोजन मटर, 1 आलू उबला हुआ उसको मैंने चॉप करके रख लिया है, 2 प्याज इनको भी हमने चॉप कर लिया है, 2 टमाटर बीज निकालकर इनको भी हमने चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया पत्ती, 1 हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते 20 से 22 कच्ची मूंगफलियां, 1 टेबलस्पून राई या सरसों जो भी आपके पास अवेलेबल हो, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/2 टीस्पून। इंग्रेडिएंट्स हमने चेक कर लिए हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए एक छलनी ले ली है, इसके अंदर हम पोहा डाल देंगे और इसे रनिंग वाटर के नीचे धो लेंगे। इस तरह से आप इसे धो लीजिए। देखिए पोहा हमने अच्छे से धो लिया है, अब हम इसको साइड में फूलने के लिए रखेंगे। जब तक हमारा पोहा फूल रहा है हम सब्जियों को भून लेंगे। ये देखिए हमने पोहा बनाने के लिए एक पैन लिया है, इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल दिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर राई डालेंगे या सरसों जो भी आप यूज कर रहे हो। इसको अच्छे से चटकने दीजिए। राई हमारी चटक चुकी है, अब इसे में मूंगफली डाल दीजिए और इसको लो मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए। मूंगफली हमारी भून चुकी है, अब इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और इसको भी सुनहरा होने तक भून लेंगे। ये देखिए जब प्याज इस तरह से थोड़ा सा पिंकिश हो जाए, इसी टाइम पर आप सब्जी डाल दीजिएगा, क्योंकि सब्जी अभी हमारी साथ ही साथ पक जाएंगी जब तक हमारा प्याज सुनहरा होगा। अभी मैंने गाजर शिमला मिर्च और मटर डाली है, आलू हम बाद में डालेंगे। इसको भून लीजिए जब तक सब्जी अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। सब्जी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, मुझे सब्जी सॉफ्ट करने में 2.5 मिनट लगे हैं। अब इसके अंदर हम बॉइल्ड आलू डाल देंगे और साथ ही साथ टमाटर भी, और इनको भी 1 मिनट भून लेंगे। ये देखिए 1 मिनट बाद टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हम कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची डालेंगे, साथ में नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर आप फ्लेम लो कर लीजिएगा ताकि हमारे मसाले जले ना। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसके अंदर लास्ट में हम पोहा ऐड करेंगे। पोहा देखिए एकदम अच्छी तरह से फूल चुका है, आप देख सकते हैं इसका सारा पानी सूख चुका है और ये अच्छी तरह फूल कर आ चुका है। अब इसको हम पैन के अंदर डाल देंगे। पोहा डाल दिया है, इसकी फ्लेम लो ही रखिए और इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिएगा, हमें पोहे को प्रेस नहीं करना है, बस मसाले के साथ मिक्स करना है। ये देखिए पोहा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसकी फ्लेम आप बंद कर दीजिए और लास्ट में इसमें धनिया पत्ती डाल दीजिए। धनिया पत्ती डालने के बाद भी आप इसे एक बार मिक्स कर लीजिए और फिर इसे हम सर्व करेंगे। मिक्स हो चुका है और सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसे हम एक प्लेट में सर्व करते हैं। ये देखिए पोहा हमने सर्व कर दिया है, बिल्कुल टेस्टी और हेल्दी पोहा हमारा तैयार है। आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए या फिर इवनिंग स्नैक में सर्व कर सकते हैं। जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी है और साथ में मजेदार भी। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज आप इसको लाइक जरूर करें,
अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो को लेकर तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।